तो गाइस कुछ दिनों से मैं टॉप 10 अपडेट्स वाली वीडियो नहीं बना रहा था, बिकॉज 10 अपडेट कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं अपडेट नहीं दे रहा था, अपडेट दे रहा था, टॉप 10 अपडेट वाली वीडियो नहीं बना रहा था। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगा, बिकॉज टॉप 10 अपडेट कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको IPL 2021 के रिगार्डिंग कुछ बड़ी अपडेट्स देने वाला हूँ। सबसे पहले तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक प्लेयर है, जो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कितने मैचेस मिस करेगा, लेकिन मैचेस मिस करने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा राजस्थान ने अपनी न्यू जर्सी लॉन्च कर दी है, आप सभी ने सुना होगा, वो भी देख लेना इधर ही। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो अपडेट आया है IPL 2021 को लेकर। आप सभी ने सुना ही होगा कि IPL 2021 कैंसिल हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं से तो सुनने को मिला होगा। तो इसके ऊपर सौरभ गांगुली ने कुछ कहा है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले जो हमारी छोटी अपडेट है राजस्थान की जर्सी को लेकर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, आई एम श्योर आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा, बिकॉज बहुत टाइम हो गया रिवील किए, तो ये आप अभी अपने स्क्रीन पे देख लो। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे से। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो ओपनर हैं देवदत्त पडिक्कल, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, हम सभी को पता है। अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया कि वो निगेटिव पाए गए हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा आर्टिकल आया नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतनी जल्दी मतलब पॉजिटिव हुए निगेटिव भी हो गए, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है। अभी देवदत्त पडिक्कल क्वारंटाइन है जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज RCB ने ऐसा अपडेट दिया है कि हमने देवदत्त पडिक्कल को एक होटल में क्वारंटाइन कर दिया है, और थोड़े दिन बाद उनका टेस्ट होगा। एंड अभी के हिसाब से बैंगलोर के देवदत्त पडिक्कल IPL 2021 के पहले दो मैचेस फोर श्योर मिस करने वाले हैं, मतलब एटलीस्ट, ऐसा नहीं है कि दो ही मिस करेंगे, मिनिमम दो मैचेस मिस करेंगे। उसके बाद जब टेस्ट होगा देवदत्त पडिक्कल का, अगर वहाँ पे वो पास हो जाते हैं, वहाँ पे वो निगेटिव पाए जाते हैं, तभी वो थर्ड मैच खेल पाएंगे, अदरवाइज उनको फिर से क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और पॉसिबली वो तीन और मैचेस या फिर चार मैचेस मिस कर जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो आधा सीजन लगभग देवदत्त पडिक्कल मिस कर जाएंगे अगर वो एक बार फिर से कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं, जो हम उम्मीद करेंगे बिल्कुल ना हो। लेकिन अभी के लिए तो ये अपडेट आया है कि दो मैचेस फोर श्योर देवदत्त पडिक्कल मिस करने वाले हैं। लेट्स सी आगे क्या अपडेट आता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ये एक बहुत बुरी खबर है। एंड हाँ, आप सभी को जानना होगा कि देवदत्त पडिक्कल को हटा के बैंगलोर का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको बताया है कि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट बैंगलोर का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जरूर जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तो ये था हमारा दूसरा अपडेट देवदत्त पडिक्कल को लेकर। इसके बाद आता है हमारा तीसरा अपडेट जो IPL 2021 को लेकर है। आप सभी ने कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा कि IPL 2021 कैंसिल हो सकता है, उसका रीजन आप सभी को COVID-19 पता लग रहा होगा, और आप कह सकते हो ये बिल्कुल ट्रू अपडेट है कि COVID-19 का साया IPL पे है। BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने क्या कहा है वो मैं आपको तो बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा खतरा उन टीम्स पे है जो अभी मुंबई में है, लाइक दिल्ली कैपिटल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। 10 तारीख को वानखेड़े स्टेडियम में इन दोनों टीम्स के बीच मुकाबला होगा, और आप कह सकते हो मतलब बड़ा मैच होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन इस पर खतरा है बिकॉज COVID-19 के केसेस मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज तो इंडिया में मतलब रिकॉर्ड बन गया, फर्स्ट टाइम इंडिया में मतलब जब से COVID-19 चालू हुआ है 1 लाख अभी तक नहीं हुआ था, और आज 1 लाख कंप्लीट हो गया है, तो ये एक बहुत बुरी खबर है। तो हम लोग कोई माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहे, ये बहुत बुरी खबर है, और कुछ सोर्सेस ऐसा पता लग रहा है कि 15 अप्रैल तक बढ़ता ही जाएगा, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड मुंबई में मैं आपको बता दूँ कि 10 मुंबई के ग्राउंड्समैन मतलब वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड्समैन कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, 8 से 10 IPL के इवेंट मैनेजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ प्लेयर्स पाए गए हैं लाइक अक्षर पटेल, इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, चेन्नई सुपर किंग्स का एक स्टाफ मेंबर भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। तो इतने सारे 25 के करीब आप कह सकते हो स्टाफ प्लेयर्स मिला के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कुछ लोगों का सवाल है या फिर आप कह लो कुछ लोग रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं कि IPL 2021 नहीं होगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट IPL को नहीं करने देगी, और भी बहुत कुछ रीज़न दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे BCCI के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि IPL 2021 मूव नहीं होगा मुंबई से, हमें देखने को मिलेगा। और सौरभ गांगुली ने बताया कि एक बार बस IPL स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद
ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट टाइम भी जब यूएई में आईपीएल हुआ था तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे, लेकिन एक बार जब सीजन स्टार्ट हो गया था उसके बाद सब कुछ सही गया था। तो ये कहना है सौरभ गांगुली का, और डेफिनेटली मैं इससे एग्री करता हूँ, बिकॉज इतने सारे रूल्स है आईपीएल में। बायो बबल के अंदर आपको जाने के लिए 3 आरटीपीसीआर टेस्ट देने होंगे एक हफ्ते में, अगर आप उसको पास कर पाओगे तभी आप आगे जा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि आईपीएल पे कोई भी खतरा है। पॉजिटिव पाए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, फिर वो ठीक हो जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या आईपीएल कैंसिल होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली नॉट। आपके अकॉर्डिंग क्या है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ, और आपका देवदत्त पडिक्कल के ऊपर क्या कहना है ये भी नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अभी के लिए बस यही था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।